दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार दिल्ली क्राइम के हेड ऑफिस से आज फिर एक बार आपके सामने हूँ। और आप सबको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने संडे को मीटिंग का एक सिलसिला शुरू किया था वो सिलसिला बिल्कुल कामयाबी से चलता हुआ कल तक पहुँच जाएगा और कल हमारी आठवीं मीटिंग है। लगातार हम आठवीं मीटिंग कर रहे हैं तो मतलब 2 महीने हमारे को मीटिंग करते हुए हो गए और इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। आप रिजल्ट के बारे में सिर्फ आपको इतना अंदाजा बता सकता हूँ कि जो काम 30 या 31 तारीख को मतलब महीने के एंड में होता था वो इस बार 18 तारीख को ही हो गया है। इसी से आप इस काम की स्पीड लगा अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली क्राइम के हेड ऑफिस में मीटिंग होने का क्या नतीजा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम दिल्ली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा अखबार के लिए प्रमोशन का काम कर रहे हैं और इसको प्रमोट करके हम लोगों के तक पहुँचा रहे हैं और भारत के करीब हम सारे जितने भी बड़े जिले हैं या बड़ी स्टेट हैं 29 की 29 स्टेट में हम अपने पाठक बना चुके हैं और उन पाठकों के द्वारा उन स्टेटों के अंदर भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। उस प्रचार प्रसार का नतीजा है कि हमारे पास बहुत सारे आज जो हमारे पाठक बने थे वो दिल्ली जर्नलिज्म से जो हमारी दिल्ली जर्नलिज्म की बुक है आधुनिक पत्रकारिता इसके द्वारा वो पढ़ाई करके बीजेसी मतलब बेसिक जर्नलिज्म का कोर्स भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ के साथ साथ अपने आसपास वालों की लाइफ में भी वो चेंज लेके आ रहे हैं। और ये सारे काम हम लगातार पिछले 7 साल से करते आ रहे हैं। हम जो भी पाठक बनता है जिसमें भी पाठक बनाते हैं हमने उसके साथ पाठक प्रमोशन योजना भी रखी है कि जो भी अपने साथ 5 पाठक बनाता है हम उसे ये दिल्ली क्राइम की डायरी भी गिफ्ट देते हैं जिसके अंदर आप अपने इलाके के जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं चाहे वो जल विभाग है बिजली विभाग है या हमारा पुलिस विभाग है आप उनके नंबर में नोट करिए और जैसी भी आपने उनको सूचना देनी है कि आपके इलाके में कुछ भी गलत हो रहा है चाहे वो जल बोर्ड की तरफ से हो रहा है पानी बेकार जा रहा है या कहीं पे कोई बिजली की चोरी हो रही है या कोई कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है अगर आपके पास उनके नंबर होते हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ये काम हम पिछले करीब करीब 7 साल से ज़्यादा समय हो गया जिसको हम करते आ रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था मोतीनगर से जहाँ पे हमारा पहला ऑफिस खुला और उसके करीब 1.5 साल बाद ही हमने मोतीनगर में ही दूसरा ऑफिस लिया और इस टाइम हम तीसरे ऑफिस में मैं खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ जो कि हमारा ऑफिस है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने। आप मेट्रो स्टेशन से भी देखेंगे तब भी हमारा ऑफिस नजर आ जाएगा और इसके बैनर वगैरह सब नजर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो काम अपना कर रहे हैं उस काम को करते हुए आपको देखते हुए और उसके साथ साथ आप तरक्की कर रहे हैं आप अपने इलाके में कामयाब भी हो रहे हैं तो ये कई लोगों को जलन हो जाती है कई लोगों को इससे तकलीफ हो रही है कि आप लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि जब से दिल्ली क्राइम का सिस्टम शुरू हुआ है कम से कम 10 से 11 ऐसे सिस्टम और मार्केट में आ चुके हैं कोई किसी प्रसार का नाम लेके कोई डिवाइन प्लस लेके ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि इसकी नकल करते हुए फेल हो चुके हैं और ताजा ताजा अभी एक और फेल हुआ है। मैं तो बोलूंगा कि आपको जब असल चीज है तो आपको नकल करने की जरूरत क्या है। मेरे को नहीं पता कि दूसरे संस्थान ने या अपने आपको जो अखबार को प्रमोशन कर रहे हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और अपने कैसे जो भी उनके पास पाठक काम करते हैं उनको किस बेस के ऊपर जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना कोई किताब ना कोई एग्जाम ना कुछ। और कई तो ऐसे सिस्टम भी है जिसके अंदर स्टाफ तक भी हमारा है लेबर भी ऐसे जो लीडर हमारे अच्छे काम कर रहे थे उन्होंने वहां जाके लेबरगिरी की तरह जो मेहनत काम करी उनको उनके काम का मेहनतनामा तक भी नहीं मिला और वो लोग दिल्ली क्राइम में वापस लौट के आ रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं कुछ है। मैं देखता हूँ कई बार जो दूसरे ऐसे काम कर रहे हैं उनको ये बड़ी तकलीफ है कि दिल्ली क्राइम के साथ साथ ये एनजीओ भी चला रहे हैं दिल्ली क्राइम के साथ ये सोशल वर्क भी कर रहे हैं वो तहसील हेड बना के भी काम कर रहे हैं ऑफिस बना के भी काम कर रहे हैं। तो भाई लोग वो कर रहे हैं तो हम लोग करें ना आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ऐसी बहुत सी तकलीफें कई लोगों को हो रही हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो दिल्ली क्राइम के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो धीरे धीरे आप सभी के सामने आने हैं क्योंकि मेरे जैसे जो दिल्ली क्राइम के अंदर लीडर बहुत सारे हैं अभी तो सिर्फ मैं सामने आके कुछ बातें करता हूँ या कुछ ही लीडर आ रहे हैं अभी तो देखना आने वाले समय के अंदर मुझसे भी बेहतरीन बोलने वाले और मुझसे भी बड़ा काम करने वाले दिल्ली क्राइम के अंदर बहुत सारे लोग बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आ रहे हैं जो काम करेंगे और करना शुरू कर भी दिया जिन्होंने। और ये सब दिल्ली क्राइम के जो भी लीडर्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं मैं उन सभी से बोलूंगा कि आप अपने काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा खुलकर काम करें। इस तरीके से जो कभी बेकार की पुरानी कटिंग कोई पुरानी खबर उठा के डालते रहते हैं वो हमारे को डालते हैं और हमारे साथ
साथ ही वो खबरें भी थी। एक खबर बहुत ज्यादा वायरल कर देंगे जी, किसी ने 8,500 नकली कार्ड बना दिए। भाई कैसे बना सकता है भाई, हमने दिए हैं वो जिम्मेवारी हमारी है, हमने उसको कार्ड बना के दिए थे, किसी ने नहीं बनाए नकली कार्ड। हम लोग एक जमीन से जुड़े हुए इंसान को अपने साथ पाठक बनाते हैं और उसको तरक्की करते हुए कि उसकी लाइफस्टाइल बदले, उसको हम बहुत सारे काम सिखाते हैं। इससे भी कई लोगों को बहुत सारी तकलीफ है, मैं सभी को बोलूंगा उन सबकी आप तकलीफों को मत देखिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो दिल्ली क्राइम के अंदर मीटिंग होती है संडे के संडे, उसके अंदर बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, और ये सारे भीड़ आप भी देख रहे होंगे। इसके अलावा भी ये तो सिर्फ ऑफिस की बात है ना, जो हमारे लीडर हैं दिल्ली क्राइम के, अपने अपने क्षेत्रों में भी वो मीटिंग भी करते हैं और मोहल्ला मीटिंग भी करते हैं, 1-to-1 प्लान भी करते हैं और बड़ी मीटिंग भी करते हैं, और हम भी एक बड़ी मीटिंग की तरफ तैयारी कर रहे हैं बढ़ने की, जिसके अंदर आप सभी का बहुत सहयोग रहने वाला है। तो मैं आपको सभी को इतना ही बोलूंगा कि अपने सिस्टम को पूरी तरीके से समझिए कि दिल्ली क्राइम क्या करता है, दिल्ली जर्नलिज्म क्या करता है। और उसके साथ साथ अभी बहुत सारे लोगों के जिन्होंने भी अपने विड्रॉ मारे थे, सबके अकाउंट में पैसा चला गया होगा, मैं सभी से फिर बोलूंगा कि आप अपने अकाउंट, अगर आपका 15 डिजिट से ज्यादा बड़ा अकाउंट है तो उसको आप 14 डिजिट वाले जो अकाउंट है वो डाल लीजिए, या अपने पेटीएम बैंक से आप अटैच कर लीजिए, आपको जिस तरीके से किसी को भी पेमेंट लेने में कोई भी मुश्किल ना आए। आज अखबार भी लोगों के पास जा रहे हैं और जो भी उन्होंने वर्किंग करी है, जो अपने पे आउट करते हैं, जो यहाँ से रिवार्ड लेते हैं, वो भी मिलते आ रहे हैं। मैंने बहुत से समय से देखा कि 7-8 साल हो गए हैं, लोग जो धीरे धीरे भी काम कर रहे थे उनके भी पे आउट अच्छे बने हैं और उन्होंने इस महीने लिए भी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जिनके पास गए हैं वो सब जानते हैं। उन सभी से बोलूंगा कि दिल्ली क्राइम आपको तब भी मान सम्मान इज्जत और पैसा दे रही थी, आगे भी देती रहेगी, आप खुलकर काम करिए, और आपको जो दिल्ली क्राइम के मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए वो पूरी मिलेगी, और जो मेरी तरफ से चाहिए वो मिलेगी, और मेरे लीडरों की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो भी आपको मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने विश्वास के साथ और अपने पूरी पावर के साथ ये काम करते हुए दिल्ली क्राइम को आगे बढ़ाना है। दिल्ली क्राइम आगे बढ़ता है तो आप भी आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ते हैं तो दिल्ली क्राइम भी बढ़ता है, दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। आपकी तपस्या को भंग करने के लिए, आपकी मेहनत को खराब करने के लिए बहुत सारे सिस्टम मार्केट में आते रहेंगे, अभी तो कुछ ही आए, अभी तो बहुत आएंगे, उनसे डरना या घबराने की जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम पे भरोसा करके आगे बढ़ते रहिए और खूब तरक्की करिए, मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। और कल संडे को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेकर ऑफिस के अंदर आए, सिस्टम को समझें और सिस्टम की जानकारी को समझ के अपनी टीमों तक पहुंचाएं, जिससे उनकी भी ग्रोथ हो सके। मैं इतनी बात कह के आज अपनी बात बंद करता हूं। जय दिल्ली क्राइम, जय हिंद, नमस्कार।